हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका कल्पना रोमी व्लॉग्स में। चलिए एक बढ़िया सा व्लॉग शुरू करते हैं एक नए दिन के साथ। सो मैं होगी नहा धो के तैयार और मेरी ईजा भी होगी नहा धो के तैयार, ठीक है जी। और अब इसके बाद हम लोग खाना पीना खाएंगे। बाकी आज मम्मी और मुझे जाना है मार्केट, तो जल्दी से खा पी के रेडी हो जाते हैं, ठीक है, और मार्केट निकलते हैं। और मैं एक बार आपको अपने घर के पीछे का व्यू दिखाती हूँ। सी ये, सो दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ माई हाउस। जिस चीज़ को देखने के लिए आप पैसे देके आते हैं वो मुझे रोज़ सुबह उठ के फ्री में दिख जाता है। मैं बस अपनी आंखें खोलती हूँ वैसे। ओ वाओ। सो मैं हो गई हूँ तैयार मार्केट जाने के लिए। यहाँ बगल में आओ। और ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट कम माई मदर कम माई स्वीट हार्ट कम माई लव। अच्छा क्यों हंस रही हो? हम जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा काम है और उसके बाद मुझे अपने लिए एक दो और सामान लेना था, वो भी ले लेंगे। मम्मी सर्दियां आ रही है, मैं सोच रही हूं आपको बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म नाइट सूट दिला दिया। अच्छा ठीक है, चलो जी, चलिए गाइस लेट्स गो। हम लोग मार्केट पहुंच गए। अभी हम लोग आए मुखानी के पास, यहीं पर हमको काम था। है ले लो फूल, कितने अच्छे लग रहे। देखो लेना नहीं है तो पता करूँ। यू ड्राइंग रूम में यही चीज़ें तो होती है ड्राइंग रूम में। कितना पापा ने जो इतने बड़े बड़े खंभे जैसे रख रखे हैं वो रखने रहे, ये रखते हैं। चलिए हम अपना काम करते हैं। गाइज हम लोग मार्केट से आ गए थे और आज मार्केट में मेरा कुछ ज़्यादा खास काम नहीं हो पाया। एक दो चीज़ें ली, बाकी कुछ मिला ही नहीं। और फिर मैं जिम के लिए, जिम का टाइम हो गया था मेरा और मैं बिल्कुल भी जिम मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर लेट हो जाता ना फिर वो मन नहीं हो जाता है, चल छोड़ फिर थकान हो जाती है, सर दर्द, अब कल चले जाएंगे। तो मुझे वो बिल्कुल नहीं करना था। एक ये रीज़न है कि मैं अपना जिम ना टाइम पर जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं, मेरा जिम 4 का है, अगर 5 बज जाए ना फिर मुझे आलस आ जाता है कि छोड़ो अब टाइम नहीं, फिर बहुत भीड़ भी बढ़ जाती है। आई एम लाइक आ रहने दे कल कर लेंगे। तो इसीलिए जिम का टाइम हो रहा था तो मैंने शॉपिंग आधी रोक दी। अब मैं और मम्मी किसी और दिन जाएंगे जल्दी, आज लेट भी गए थे, 1 बजे घर से निकले थे। बाकी अब मैं जिम के लिए तैयार हो गई हूँ, घर आते ही सीधे मैं जिम के लिए रेडी हो रही हूँ। मतलब जैसे मैं आई हूँ और आज मैंने ये क्या बढ़िया सा हेयर स्टाइल करा है, फ्रिजी फ्रिजी। अब जूते पहनेंगे, पानी रखेंगे और स्किपिंग रोप 100 जिम जाने से पहले, 100 जिम आने के बाद, जिम से आने के बाद। तो बस अब मेरे में ना ये ट्रांसफॉर्मेशन का ना कीड़ा जाग गया भाई। तो मैंने तो मतलब ट्रांसफॉर्म होना है। और मैं तो बोलती हूँ कि आप भी उठिए अपने बिस्तर से और मेरे साथ एक चैलेंज करिए। हम लोग मिलके 75 डेज चैलेंज करते हैं, ठीक है ना, और आप और मैं मिलके करते हैं। मैं तो कह रही हूँ मेरा भी साथ हो जाएगा, आप लोग का भी साथ हो जाएगा। और वो देख लो वहाँ पे, यहाँ पे मेरे को वजन घटाने के लिए जिम जाना पड़ रहा है और ये खा खा के भंडियार जस्ट हगी। ये तो भंडिया रहगी, इनको कोई टेंशन नहीं है। और वह दूध रोटी पड़ी है लेकिन बिस्किट खा रहे हैं। चलिए गाइस आप भी उठिए अपने बिस्तर से, जाइए। मैं 75 डे चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ, मिलके करते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर। और ये देखो अभी ये मेरा थोपड़ा, ठीक है, इतना सारा फैट है, दिस इज अ फैट, दिस इज द डबल चिन। अरे बाप रे भाई, बहुत डबल चिन है। तो मतलब अभी आपने मुझे ऐसे देखा है, ठीक है। आई जस्ट होप कि मैं जाना ना छोड़ू जिम, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको अपनी फुल ट्रांसफॉर्मेटेड बॉडी दिखाऊंगी, बिल्कुल यू नो परिवर्तित बॉडी। आई जस्ट विश हो जाए। चलो मैं जूते पहन लेती हूँ, ओके बाय। वो अटक गया, उससे जाया नहीं जा रहा है वहाँ से, बताओ यार, वहाँ से नहीं जा पा रहा है, इतना मोटा हो गया है और अब वहाँ से जाएगा। हे भगवान, देख लो इसको, ये लिटरली उस गैप से नहीं जा पाया। हद होती है गोली, हद। थोड़ा कैमरा लेट खुला मेरा, वहीं पर अटका हुआ था पता है, आधी मुंडी बाहर आधी मुंडी अंदर। सो चलिए जिम जाने से पहले करते हैं जल्दी से सॉ स्किपिंग। मैं अभी जिम जा रही हूँ ना, मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा मेटाबॉलिज्म इतना बेकार है, मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी बेकार है, मेरे मसल्स इतने वीक है। आप मानोगे मैं ट्रेडमिल में लिटरली 2 मिनट दौड़ नहीं पा रही। मैं 2 मिनट ट्रेडमिल में नहीं दौड़ पा रही यार, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये। जैसे जैसे चल रही हूँ, मतलब मैं ट्रेडमिल में इंक्लाइन कर रही हूँ उसको, पहाड़ की तरह बना रही हूँ ऊपर, फिर उसको नीचे बना रही हूँ, सीधा बना रही हूँ। उसमें फीचर होता है ना पहाड़ की तरह कर दो, पहाड़ की चढ़ाई में चढ़ती हूँ मैं। तो मतलब लिटरली मेरे से ना ट्रेडमिल नहीं दौड़ा जा रहा, अभी मेरे से स्किपिंग नहीं हुई। तब रियलाइज़ होता है कि बॉडी कितनी डिटीरियोरेट कर दी है यार मैंने, हम सब ने यार, मतलब हम ये अजीब दिस, इसके चक्कर में हम अपने हेल्थ को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं यार। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम जो ऐसा बोलते हैं लेकिन खाते हैं, लेकिन नहीं, नाउ आई एम स्टार्टिंग टू चेंज। अब मैंने चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, अब मैंने सोच लिया भाई नहीं खाऊंगी कुछ और। अब मेरा ना, मैं अब सोच रहा हूँ 75 डेज चैलेंज करने की, और वो मैंने करना है, उसमें मेरा ये चैलेंज रहेगा। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन, वेट कम 5 किलो कटाना है, पुशअप सीखने हैं, मसल्स बनानी है, वो पुलअप्स करने हैं जो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। ऑल्सो
आजकल जिम का कितना मजा आ रहा है ना, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कैसे पसीना आया था मेरे को, देखा था भाई जब वो पसीना गिरता है ना इतना मजा आता है ना, मतलब इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना, पर बिल्कुल पसीना पसीना बह रहा होता है। नाइस, आई लाइक इट, आई फील इट, फील्स नाइस। तो चलिए डे टू ऑफ द जिम, लेट्स गो। सो मैं जिम में इतना पहले आ जाती हूँ कि कोई भी नहीं आया होता, तो मेरी ड्यूटी रहती है ये करने की, पूरे जिम की लाइट में ही जलाती हूँ। मुझे जिम वाले भैया को बोलना पड़ेगा, भैया मैं फीस आधी दूंगी क्योंकि आपका आधा काम तो मैं कर रही हूँ। वो कहेगा रहने दे भाई, वो कहेगा रहने दे बहन मत आ, मैं खुद कर लूँगा। सो सबसे पहले मेरी ये ड्यूटी रहती है सारी लाइट्स वगैरह जलाने की। दिस इज़ मी। या मेरे को ना अपना वेट दिखाने का मन तो नहीं कर रहा, बट चलो मैं दिखा देती हूँ, क्या शर्माना, अब आप लोगों से भी क्या छुपाना, सब कुछ पता ही आप लोगों का, मेरा परिवार हो, मेरी फैमिली हो, पर मुझे शर्म आ रही वेट दिखाने में, आप लोग क्या बोलोगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब फाइनली आपको हंसते देखने वाली है, जो कि मेरा पहले कम था, पहले मेरा दिखाती हूँ कितना था फिर बताती हूँ। ये है मेरा वेट। अरे मशीन ख़राब हो गई, अरे मशीन ख़राब है गाइस, इतना नहीं है मेरा, 56 आता है, 66 दिखा रहा है, आई थिंक मशीन ख़राब है। सो मेरा वेट है अभी 66, ठीक है। मैं सांस अंदर करती हूँ, अभी भी वेट नहीं घट रहा, अभी फ़िलहाल मेरा वेट है 66। आई नो नॉट एक्सेप्टेबल, आई नो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसका। पहले मेरा वेट आपको पता है 60 था जब मैं ऑफिस में थी, सन 2018-19 में 60 था, धीरे धीरे बड़ा ऑब्वियसली। अभी पिछले साल तक मेरा वेट 63 था, दो साल पहले, फिर 64-63 में फ्लक्चुएट करता था, पिछले साल तक 64 चल रहा था, एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है 63-64 है, और अभी एक साल के अंदर 66, मतलब मैंने इंक्रीज़ किया, इंक्रीमेंट किया, मैंने और चीज़ों में इंक्रीमेंट नहीं किया, मेरी सैलरी नहीं बढ़ी, मेरा कुछ तरक्की नहीं हुई, मेरा ब्लॉग नहीं चल रहा, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, इस चीज़ों में मेरी तरक्की नहीं हो रही, मेरी तरक्की हो रही है वेट बढ़ने वाला, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मतलब 60 से 63, 63 से 66, मतलब मैं 3-3 किलो करके बढ़ती आ रही हूँ, तो पिछले साल था 63, नाउ आई एम 66, तो दिस इज़ माई टारगेट गाइस। 66 भी क्या यार, 67 ही लगा लो। और आपको एक फ़नी चीज़ बताऊँ, लवी से मैं सिर्फ 4 किलो कमूँगी, लवी का आई थिंक 70 या 72 है, अब लगा लो कितनी शर्म की बात है मेरे लिए। सो बस यही है, अब मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अब ये मैं आपको जब तक 56 नहीं दिखा देती ना, मैं छोड़ूंगी नहीं जिम करना, चाहे आप उसके लिए मुझे अनसब्सक्राइब मत करना, सब्सक्राइब ही करके रखना, बल्कि सब्सक्राइब करना, ऐसे मुझे मोटिवेशन आएगा ना भाई, इतना सब्सक्राइब हो रहा है तो मुझे कुछ करना चाहिए अपनी बॉडी के लिए। और भी मैं इतना इसलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज जिम खाली है, पता लग रहा है कोई देख रहा है मुझे। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, बहुत होगी बातें, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कोट है, देर आर टू टाइप्स ऑफ पेन इन द वर्ल्ड, पेन दैट हर्ट्स यू, पेन दैट चेंजेस यू, सो दिस पेन विल चेंज मी। चलिए गाइज लेट्स स्टार्ट। गाइज सिर्फ मेरी ही आत्मा जानती है कि मैं जिम में कैसे एक्सरसाइज करती हूँ, एवरी मोमेंट आई फील लाइक आई शुड गिव अप, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, बट यू नो देन आई एम लाइक नहीं कल्पना, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, तो वो थोड़ा 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 करके I don't give up. मेरा ये जो वेट हो रखा है ना, ये मुझे गिव अप नहीं करने देता। I just think about my weight. I just think about having a good body. I just think about being fit and being able to wear those clothes जो मैं सिर्फ मॉल में देख पाती हूँ। You know, I want to go for a smaller size. I just want to be fit. तो यही thought मुझे give up नहीं करने देता है। Also, exercise करने से ना, उस समय तो आलस आता है, but when we are done with the exercise, then it feels good. तो ये थॉट मुझे हमेशा मोटिवेट करता है एक नए दिन में फिर से एक्सरसाइज करने के लिए। ओके बाय। सो अभी मैं और मम्मी रात को आए हैं फिर से डॉक्टर के क्लिनिक, बिकॉज एक दवाई थी जो मुझे नहीं मिली थी। इधर देखो, ये भिसूण जस्ट के लिए बेटर चाहिए। वैसे मुझे भिसूण का मतलब नहीं पता, क्या होता है भिसूण मतलब? मुझे खेतों में टांग के वैसे तो बैठी हो भिसूण जैसी। तो मैं एक दवाई लेने आई थी, वो रात हो गई थी, मम्मी ने कहा मैं तेरा पौहर करने चलूँ, तो मैंने आपको बोला था सेंट्रल, सेंट्रल से ज़्यादा दूर थोड़े थोड़ा ही तो दूर है। एक दवाई ने मुझे मार्केट के इतने चक्कर लगा देना भाई साहब, मैंने अब एक साल में इतना ट्रैवल नहीं किया होगा जितना मैंने 2-3 दिन में कर लिया है, बेफालतू का एक ही दिन में। हाँ बेफालतू का, ऐसा दवाई नहीं मिल दे रही है यहाँ पे हल्द्वानी में, हद होगी हल्द्वानी हद। क्या बोल रहे हो, कोई दवाई खाता है क्या? तो मैं तो अपनी इच्छा से थोड़ी खा रही हूँ, बीमार हो रही हूँ। नहीं है, बीमार नहीं है तू, तेरे तो मुझे कोई दवाई खाने का शौक थोड़ी है। ये मेरे जो इसकी दवाई है, ये जो स्किन में ये लाल निशान सफेद, तो ठीक करना पड़ेगा ना। नहीं ऐसे गायब हो जाते कैसे? अपने आप जो MBBS डॉक्टर वो पागल है,
करना, उन्होंने तो अपना बिजनेस बना लिया। ये वेट करो, कैसे थोड़ा वेट करो तो अपने आप ठीक हो जाता है। मेरे ना 2 साल से हमारे जो जन्म जन्म से है गायब हो गए। मतलब MBBS वाले हमें बेच को बना रहे हैं। सो दवाई लेके मैं और मम्मी घर आ गए थे, और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। कैसा लगा आज का ब्लॉग, डू कमेंट एंड लेट मी नो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत जाओ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना मत भूला करो। जैसे आप देख रहे हो ना, अगर मेरे 10-15 हज़ार व्यूज़ भी आ रहे हैं तो आप लोग मुझे लगता है ना लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं, तो वो मत करो, दबा दो ना, एक बटन ही तो दबाना है। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, ठीक है जी। कल मुलाकात होगी एक बड़े से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि आज के टाइम में मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। भाड़ में गया पैसा, भाड़ में गई सारी चीज़ें, सिर्फ खुशी, यू शुड बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड आउट। सो या, वील मीट टुमारो, बाय गाइस, टेक केयर, बाय।